Now talking about another challenging work setting, which is criminal justice system. So we will be talking about the ethical issues in criminal justice system. As you all know, that different mental health practitioners are being hired in uh, correctional settings, where we see that uh, uh, the concept of forensic psychology comes in. Or we see that forensic psychologists who are working in the criminal justice system. rehabilitation so, सर्विसेज uh, में काम करे होते हैं जहाँ पर जो इनमेट्स हैं जो कैदी हैं उनके बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए उनके प्रॉब्लम्स स्किल सेट जो हैं उनके ऊपर काम करने के लिए एक कुरेक्शनल सेटिंग जो है वो बनाई जाती है जहाँ पर उनको अच्छी तरबियत उनको इसलाह दी जा सके तो इस सिचुएशन के अंदर बहुत सारी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो रिक्वायर होती हैं जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने करनी होती हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन uh, की जाती हैं जो उनको परफॉर्म करनी होती हैं Uh, what दे हैव टू do बेसिकली is द रेंज ऑफ़ ड्यूटीज which इंक्लूड evaluating एंड classifying इनमेट्स अब आप कैदियों को कैसे क्लासीफाई करते हो आप उनको उनके जो उनका एक डिग्री ऑफ जो है नेचर ऑफ क्राइम है उसके मुताबिक क्लासीफाई करते हो दे मे बी द सम इंडिविजुअल जिन्होंने कोई छोटा मोटा क्राइम किया होगा कुछ जो हैं वो मॉडरेट लेवल के क्रिमिनल्स होंगे और कुछ हाई लेवल के क्रिमिनल्स होंगे उनको क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ क्राइम इज़ वन असाइनमेंट इज बींग द फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट दैन दे फर्दर इुएट दैम कि क्या उनके अंदर उस एक्ट को करने के बाद कोई शेम एंड गिल्ट है क्या वो उसको करने के बाद अपने आप को जस्टिस और राइटियस uh, समझ रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया इवन इफ हैव ब्रूटली किल्ड सम वन और फिर ये कि वो कितना हिनीस क्राइम है जो उसने कमिट किया है और वो ब्रोटिलिटी के किस लेवल तक जाकर कोई क्राइम कमिट कर सकता है दैट इज़ समथिंग विच बेसिकली गिव यू एन आइडिया अबाउट इट्स ह्यूमन साइकी कि उसके ऊपर अगर उसे अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो किस हद तक ख़तरनाक एक्ट जो हैं वो हम उस इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये वैल्यूएशन जो हैं ये फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं और उनकी वैल्यूशन डिटर्मिन भी करती हैं कि ऑल द लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट लेकिन वो ये भी डिटर्मिन करती हैं कि इसको कितनी लेवल तक की जो सज़ा है वो देनी चाहिए तो ये चीज़ जो साइकोलॉजिस्ट की फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट होती है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट uh, करती है उसकी uh, सारी प्रोफाइल के अंदर कि लॉ के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि uh, वो एज ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर उसका क्या एक्शन है उस टाइम के बाद कंडक्टिंग साइकोथेरेपी और क्राइसिस इंटरवेंशन अब वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट केसेस में आए होते हैं कुछ को साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है कुछ ऐसे होते हैं जो किसी क्राइसिस से गुजरे होते हैं और उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है तो ये काम भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं पार्टिसिपेटिंग इन द पर्सनल सेलेक्शन प्रोसेस अब उसके बाद वहाँ पर आपने डिफरेंट लोग जो रिहेबलीटेशन सेंटर्स के अंदर रखने होते हैं वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको जो है वो उनकी हायरिंग के अंदर अपना इनपुट भी देते हैं दैन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉय असिस्टेंट सर्विसेज अब वहाँ पर उन लोगों के साथ इनमेट्स के साथ कैसे डील करना है जेल में उनकी एजुकेशन के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए उनमें से कौन से लोग जो हैं वो आगे स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं या उनको कोई बेहतर माहौल देने की ज़रूरत है किन लोगों में इतना आपको महसूस हो रहा है कि इनके अंदर एक अच्छा इंसान बनने की अभी भी कोई सालायत मौजूद है उनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए कोई ऐसे स्किल्स में हैं जिनको उस तरह की स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डालना चाहिए यह काम भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो असिस्ट करते हैं सर्विंग एज कंसल्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिसीजन एंड पॉलिसी रिलेटेड टू द कुरेक्शनल क्लाइमेट आप देखें जेल के अंदर एक बहुत अजीब सा क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट को एक अच्छा असला सेंटर कैसे बनाना है उसमें लोगों के बिहेवियर्स को बेहतर करने के लिए क्या असला हाथ लाने की ज़रूरत है ये सारे काम जो हैं ये भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के साथ करते हैं द की एथिकलूज द डिग्री टू विच आरटल

कुछ ही दिनों के अंदर कोई हॉस्टेज जो है वो टेक प्लेस होगा और अब उसने बता दिया और फिर वो पैक कर रहा है कि मेरी इस इंफॉर्मेशन को आप लीक नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरी बहुत मेरे लिए बहुत खतरना खतरनाक हो जाएगा ये बाकी के जो मेरे फैलोइंग मेट्स हैं ये मुझे मार देंगे या मुझे मेरी सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है तो ऐसी सूरत में आ, क्या करना चाहिए एक कुरेक्शनल काउंसलर को ऑफ कोर्स इन दोज कंडीशन कॉन्फिडेंशलिटी इज इम्पॉर्टेंट बट वी जस्ट कांट डू इट कि हम उस इंफॉर्मेशन को हाइड करें वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट अथॉरिटीज को दी जाएगी और उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बाकी इनमेट सेपरेट कर दिया जाएगा सो दिस इज हाउ द सेटिंग ऑफ द सेंटर वर्क्स और एक जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो इस तरीके से यहां पर अपना रोल प्ले करता है देन अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फेसिंग सच डिसीजन माइट हैव एन ऑब्लिगेशन टू वॉन्ट सर्टन कोर्स एज आई सेट वो बताना तो जरूरी है कि यहां पर इस तरह का एक होस्टेज जो है वो प्लान हुआ हुआ है और उसको रोकना है और एज अ साइकोलॉजिस्ट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आ, उस इनमेट को प्रोटेक्ट करे उसकी राइट्स का और उसकी वेलफेयर का ख्याल रखे उसको सेपरेट कर दे सो टू डील विद सच इशूज मेंटल हेल्थ प्रोटिक्शनर शुड क्लेरिफाइ देयर प्रोफेशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशन विद प्रिजन अथॉरिटीज़ रिलेटिव टू देयर एक्सपेक्टेशन जब भी किसी भी इनमेट के थ्रू कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को मिलती है तो उसके लिए ये ऑब्लीगेटरी है कि वो अपनी प्रिजन अथॉरिटीज़ को उनके बारे में बताए कि यहाँ पर इस किस्म का कोई एक्ट हो सकता है या एक ख़ास क्लास के इनमेट जो है वो ये चीज़ प्लान कर रहे हैं अथॉरिटीज के अगेंस्ट या वो दूसरे लोगों को डैमेज करने के लिए या इस तरह का कोई सीन क्रिएट होगा जिससे उनको फ़ायदा हो सके और साइमटेनियसली दे शुड क्लेरिफाई लिमिट्स ऑफ देयर रोल एंड नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप एज वेल और जहाँ पर किसी इनमेट को कोई को सिम्पत्ति या एम्पति की ज़रूरत है वो उसको ड्यूली देनी है लेकिन उससे मिलने वाली इन्फॉमेसन को राइट right तरीके से यूज़ करना अगर वो कोई इरेलीवेंट इंफॉमेसन है वो जरूरी नहीं है कि वो अथॉरिटीज़ को बताई जाए लेकिन अगर वो कोई ऐसी है जिससे स्टेट को और लॉ को कोई ख़तरा हो सकता है तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिवील करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे शुड नेवर सरेंडर देयर प्रोफेशनल इंटेग्रिटी टू कम्पीटिंग प्रेशर ऑफ वर्क साइट और एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लाइक एनी अदर साइकोलॉजिस्ट शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर कॉम्पिटेंस जस्ट बिकॉज दे आर बींग अंडर प्रेशर और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड है तो कभी भी अपनी कंपिटेंस जो है उसको अपने प्रोफेशनल काम को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज इन ऑल द रोल्स एथिकल इशूज़ आर इम्पॉर्टेंट इन ऑल द रोल सर्विसज आर इम्पॉर्टेंट बट वैन वी टॉक अबाउट फोरेंस साइकोलॉजिस्ट दिस इवन बिकोर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट और उसका जो एक स्पेसिफिक uh, करेक्टर है एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का चूंकि वो लॉ के साथ डायरेक्टली अटैच है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाता है